हेलो माय डियर टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ब्रिज कोर्स यूनिट नंबर 2E और 2F पूरी कर ली है। आज हम एक्टिविटी 3A, B, C, D इनको आज पूरा करने वाले हैं और इनकी हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों का, टीचर्स का, आपके माता पिता का और उन सभी साथियों का हृदय से आभार मानता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस चैनल को और इन वीडियोस को इतना लाइक किया, इतना पसंद किया, इतना शेयर सब्सक्राइब किया। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर टीचर्स, माय डियर वेल विशर्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्टिविटी 3A सेंटेंस फ्रेमिंग। इसका नाम क्या है? सेंटेंस फ्रेमिंग। सेंटेंस यानी वाक्य होता है, फ्रेमिंग का निर्माण होता है। सेंटेंस यानी होता है वाक्य, फ्रेमिंग होता है निर्माण। तो वाक्य निर्माण हम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? वाक्य निर्माण सीख रहे हैं। 3A को करने से पहले दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो में 2E और 2F में जो बेसिक सीखी है वो बेसिक बहुत काम की है। वो बेसिक एक बार पढ़ लीजिए आप, जिससे कि इन एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आज भी हम कुछ नया सीखने वाले हैं, शुरुआत करते हैं एक्टिविटी 3A सेंटेंस फ्रेमिंग। देखिए दोस्तों, हमने पिछले उसमें सीखा था, प्रोनाउन सीखे थे, आई का अर्थ, ही शी का अर्थ हमने सीखा था, कहाँ पर एम, कहाँ पर इस, कहाँ पर आर आता है। एक बार पढ़ लीजिएगा साथियों, तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारा समय यहाँ पर बचेगा। आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा फिर से दोबारा। आई एम, ठीक है दोस्तों, आई एम, एम यानी हूँ होता है, ही यानी वह, शी यानी वह, ही यानी वह, शी यानी वह। ही आता है बॉय के लिए, ही आता है बॉय के लिए, शी आता है गर्ल के लिए, हमने देखा। इज यानी है, ही शी इट के साथ में इज आएगा, आई के साथ में एम आता है। आप सेंटेंस बनाना है आपको, ऐसा ये जो बॉक्स दिया हुआ आपको दोस्तों, आप क्या करना है, हमको सेंटेंस बनाना है। बहुत अच्छे से हम सेंटेंस बना सकते हैं खुद ही। देखिए, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ। आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। ठीक है साथ, देखिए साथियों, ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं। ही इज मोहन, वो मोहन है। शी इज रीना, वह रीना है। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ही इज राम, वह राम है। शी इज रीना, वह रीना है। शी इज वैष्णवी, वह वैष्णवी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप कैसा बनाना है। ये एक अर्थ एक होता है, एक अर्थ क्या होता है, एक होता है। ये ए और एन को भी हम सीखेंगे थोड़ी ही देर बाद, अभी पहले इनको थोड़ा देख लीजिए आप। ये आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अगर लड़की है आप तो आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। विद्यार्थी है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, अब ही का इज आएगा, ही इज अ बॉय, वह लड़का है। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है। शी इज अ गर्ल, वह लड़की है। शी इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। दोस्तों, तो ऐसा आप सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए, आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ही इज अ बॉय, वह लड़का है। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। शी इज़ अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो आ के हाथ में एम आएगा, फिर सबके हाथ में आना ही है, सबके हाथ में यहाँ पर ये तो हमने आना ही, एक अर्थ एक होता है। ठीक है, एक सेंटेंस आपको ऐसे बनाना है। तो बहुत इसी तरीके से एक्टिविटी को हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ी देर में एक्टिविटी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए एक शब्द यहाँ पर दिया है, धिस। क्या दिया हुआ है? धिस, इसका अर्थ होता है यह। क्या होता है? यह, पास वाली कोई वस्तु या व्यक्ति हो तो वहाँ पर धिस बोलते। क्या बोलते? धिस बोलते, पास जो हमारा होता है। और डैट, इसको ऐसे डैट बोल सब लोग बोलते, लेकिन एक्चुअल में इसको क्या पढ़ते हैं? धैट। क्या पढ़ते हैं? धैट। ठीक है दोस्तों, अब ये धैट जो है इसका अर्थ होता है वह। क्या होता है? वह दूर का व्यक्ति है या दूर की जो वस्तु है उसको दर्शाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? डैट का। अब ये धीज भी प्रोनाउन है और ये डैड भी प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, ये डिटरमाइनर भी है, ये प्रोनाउन का काम भी करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पर भी आते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आते हैं। और ये ईट है, ईट तो हमने पढ़ाई प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, अब ईट एन वह होता है और यह भी होता है, ईट एन वह भी होता है और यह भी होता है। ठीक है साथियों, अब देखिए, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज नॉट माई पेन, यह मेरा पेन नहीं है। This is your book, यह तुम्हारी किताब है। This is not your book, यह तुम्हारी किताब नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब this is a pen, यह पेन है, यह। उसको बोला that is a book, वह एक किताब है।
दिस इज अ गर्ल, यह लड़की है. डैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है. ठीक है, डैट वन वह वाला, दिस वन यह वाला. तो दिस यानी यह होता है पास की वस्तु व्यक्ति, डैट यानी वह होता है दूर का व्यक्ति या वस्तु, इट यानी वह होता है या यह होता है. ठीक है, दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है. इज एन है, दिस इज़ नॉट माई बुक, यह मेरी बुक नहीं, यह मेरी किताब नहीं है. डैट इज़ माई बुक, वह मेरी किताब है. डैट इज़ नॉट माई बुक, वह मेरी किताब नहीं है. कि दोस्तों अब हमने ये बेसिक देख लिया, हमने समझ लिया है दिस का अर्थ, डैट का अर्थ, इट का अर्थ. अब हम 3A को जो हमको प्रैक्टिस करना है, जो सेंटेंसेस दिए हैं उस एक्टिविटीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, फिर कुछ नया सीखते हैं फिर सॉल्व करते हैं. चलिए 3A को हम सॉल्व कर रहे दोस्तों, खुद करेंगे, आप करेंगे, मैं आपके साथ करूँगा, लेकिन आपको अपने दम पर करना है, इसीलिए हम बेसिक को सीख रहे हैं. और मेरा विश्वास है जितने विद्यार्थी 8वीं से 9वीं में आए हैं वो सभी मेहनती है, वो सभी बड़ी प्रामाणिकता से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और आप लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख कर दिखाएंगे, बहुत अच्छे से ब्रिज कोर्स की बुक आप अपने दम पर ही हल करेंगे. ये मेरा विश्वास आप पर है. आपके शिक्षकों की मदद भी आप लीजिए, अपने टीचर से उनकी हेल्प लीजिए, आपके माता पिता की हेल्प लीजिए दोस्तों. चलिए 3A को अपन सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो दोस्तों हमने बोर्ड पर सीख लिया है थोड़ी सी बेसिक 3A की, अब इसको हम सॉल्व करते हैं. देखिए अब ये सेंटेंस फ्रेमिंग के सेंटेंस हमको बनाना है, सॉल्व करना है 3A के अंदर. सब्स्टिट्यूशन टेबल है, टेबल था यहाँ पर, स्पेलिंग मिस्टेक है. अब कैसे बनाना है हमको, अभी आई के साथ में क्या आता है, हमने देख लिया है कि एम आता है और ये अ है, और इधर यहाँ पर बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, इसकी हिंदी ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है. फिर शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है. शी इज़ अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है. शी इज़ अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है. शी इज़ अ डांसर, वह एक डांसर है. आप ऐसे ही से बना सकते हैं कि ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है. ही इज़ अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है. ही इज़ अ डांसर, वह एक डांसर है. ठीक है, आप आई से बना सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ. आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ. आई एम अ डांसर, मैं एक डांसर हूँ. इस प्रकार से बना के हमको नीचे भरना है, खुद ही करना है दोस्तों, हमको खुद ही करना है, और आप खुद कर लेंगे, मेरा विश्वास है आप सब पर. ये हमको ऐसा भरना है. ठीक है, आई एम अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ अ प्लेयर, और हर वाक्य को हम खुद बना सकते हैं. आई आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ डांसर, शी इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ प्लेयर, शी इज़ अ डांसर, ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ डांसर. ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाना है. हमको पता है कि ही और शी के साथ में इज़ आएगा, आई के साथ में एम आएगा. चलिए आगे, अब देखिए इधर, ये हमने अभी बोर्ड पर समझा, हमने वहाँ देखा कि धीस का अर्थ क्या होता है, डैट का अर्थ क्या होता है, ईट का अर्थ क्या होता है. ठीक है साथियों, अब इसको हम खुद हमको कर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपने मन से. जैसा हमने ऊपर किया वैसा ही किया करना है दोस्तों. यहाँ पर बिल्कुल सरल काम है. ये धीस लिया, फिर इज़, फिर माय पेन, दिस इज़ माय पेन, और नहीं है तो धीस इज़ नॉट माय पेन. ठीक है, डैट इज़ योर बुक, डैट इज़ नॉट योर बुक. इट इज़ हीज बाइसिकल, इट इज़ नॉट हीज बाइसिकल. धीस के साथ में इज़, फिर यहाँ से माय, फिर पेन, फिर दिस इज नॉट माय पेन. डैट इज नॉट योर बुक, डैट इज योर बुक, डैट इज नॉट योर बुक. इट इज हीज बाइसिकल, इट इज नॉट हीज बाइसिकल. दिस इज हर डॉग, दिस इज नॉट हर डॉग. डैट इज हीज डॉग, डैट इज नॉट हीज डॉग. इट इज हीज डॉग, इट इज नॉट हीज डॉग. दिस इज हर टॉय, दिस इज नॉट हर टॉय. एक बार इस के साथ, एक बार इज नॉट के साथ में हमको बनाना है, दो दो वाक्य बनाना है साथियों. ठीक है, पेन यानी पेन, बुक यानी किताब होता है, बाइसिकल यानी साइकिल होता है, डॉग यानी कुत्ता, और टॉय यानी होता है हमारा खिलौना. ठीक है साथियों, चलिए देखिए आगे. अब ये हमको ऐसे बनाना है, खुद ही हमको मन से भरना है, एक बार इस तर, एक बार इज नॉट से. ठीक है, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ नॉट माई पेन. डैट इज़ योर बुक, डैट इज़ नॉट योर बुक. इट इज़ हीज़ बाइसिकल, इट इज़ नॉट हीज़ बाइसिकल. ऐसा बनाना है दोस्तों. ठीक है, एक बार
इज से और एक बार इज नॉट से वही हमको सेंटेंस बनाना है। बना लेंगे आप, बिल्कुल बना लेंगे आप। ये डैट इज़ योर बुक, यहाँ पर बन जाएगा फिर डैट इज़ नॉट योर बुक। इट इज़ हिज बाइसिकल, बन जाएगा इट इज़ नॉट हिज बाइसिकल। एक एक नया नया शब्द लेके हम बना सकते हैं और हमको बनाना ही है, ठीक है साथियों। खुद हल करना है, कुछ भी अगर दिक्कत आती है तो घर में जो बड़े भाई बहन हैं उनको पूछ लीजिए, और जो हमारे इंग्लिश के टीचर हैं, आपके जो टीचर हैं, जो शिक्षक है, जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा ऑनलाइन पढ़ाने में, आपके स्कूल के शिक्षकों की भी आप हेल्प लीजिए, ठीक है, उनका मार्गदर्शन लीजिए। क्योंकि सभी जो शिक्षक है मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय के, वो बड़ी ही मेहनत कर रहे हैं। सभी विषयों के जो शिक्षक है वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और आप विद्यार्थी भी सभी मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए, क्या कि विद्यार्थी और यहाँ के शिक्षक दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं शिक्षा को लेकर। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों हमने 3A एक्टिविटी को समझा और उसको सॉल्व किया। अब देखिए 3B में, 3B को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी बेसिक सीख लीजिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। देखिए 3B में हमको दो जो चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, एक जो मिलने वाला है वो है ए, क्या है ए, और एक जो है एन। ये दो नए शब्द हमको मिलने वाले हैं, तो एक ए है और एक एन है। इन दोनों का हमको उपयोग सीखना है, और जिससे आप आसानी से 3B को सॉल्व कर सकते। दोस्तों हमको रटना नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ कॉपी नहीं करना है, समझना है फिर सॉल्व करना है, फिर पूछिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो अपने आप आपको आते जाएगा। मेरा विश्वास बहुत है आप सब पर, आप करके दिखा सकते हैं। अब ये अ और एन, जो ए लिखा हुआ है ना, इसको अ पढ़ते, क्या पढ़ते हैं इसको, अ पढ़िए, और ये एन क्या है, एन, इसको इनको कहते हैं इंग्लिश में, ग्रामर में कहते हैं आर्टिकल, क्या कहते हैं, आर्टिकल। अ और एन, अ और एन का अर्थ एक होता है, एक, अ पेन एक पेन, अ टेबल एक टेबल, अ चेयर एक चेयर, अ बॉटल एक बॉटल, अ बुक एक बुक, एन आउल एक उल्लू, एन एलिफेंट एक हाथी, एन अम्ब्रेला एक छाता, एन आई एक आँख, एन ऑरेंज एक संतरा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब अ और एन का अर्थ क्या होता है, एक होता है, ये आते कहाँ पर है, एक वचन गण्य संज्ञा के पहले। एक वचन जो अकेली हो, गण्य इसकी गिनती होती हो, एक वचन अकेली संज्ञा हो और इसकी गिनती होती हो, मतलब काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले, एक वचन यानी अकेली हो और काउंटेबल जिसकी गिनती होती हो उनके पहले हम अ और एन का उपयोग करते हैं, जिसकी गिनती हो और जो अकेली हो, ठीक है। मतलब कि मिल्क दूध वाटर पानी शुगर शकर, अब इनकी गिनती नहीं होती है, इनकी गिनती नहीं होती, वैसे तो अकेली दिख रही है हमको ऐसा, लेकिन नहीं भैया ऐसा इनकी गिनती होती नहीं है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल हो। हमको सिंगुलर एक वचन अकेली संज्ञा होना, एक वचन जिसकी गिनती होती हो, पेन की गिनती होती है, बुक की गिनती होती है, तो अ पेन एक पेन, अ बुक एक बुक, एन अम्ब्रेला एक अम्ब्रेला। अब एग्जाम्पल देखिए, अ बॉय अ बुक एन एलिफेंट, एक लड़का एक किताब एक हाथी, एलिफेंट यानी हाथी, ठीक है। अब देखिए अभी एन का उपयोग हिंदी स्वर से उच्चारण आरंभ हो उन शब्दों के पहले किया जाता है। एन का उपयोग, देखो अ और एन दोनों ही एक वचन संज्ञा के पहले आते हैं, इसी गिनती होती हो। अब एन कहाँ आता है, एन का उपयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जिनका उच्चारण हिंदी स्वर से आरंभ हो। हिंदी स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल एन का उपयोग किया जाता है। हिंदी स्वर अ आ ई ई उ उ स्वर है ना, अगर उच्चारण किसी शब्द का, जो अंग्रेजी का शब्द है उसका उच्चारण किसी हिंदी स्वर से होगा आरंभ, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, आर्टिकल एन लगाएंगे एक के अर्थ में, मतलब वॉवेल साउंड होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, इनका उच्चारण आना चाहिए ये अक्षर हो। बहुत सारे लोगों में ये बात है कि जहाँ पर भी ए ई आई ओ यू दिखे वहाँ पर एन लगा दो, ऐसा कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग, कि ए ई आई ओ यू दिखे तो एन लगा दो, ये गलत है भाई,
ये बात कैसी है, गलत है, ए ये आई ओ यू देखे नहीं, उच्चारण होना चाहिए वॉवल साउंड, यानी मतलब समझ लीजिए सरल भाषा में हिंदी स्वर से किसी शब्द का उच्चारण आरंभ होगा तो वहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा एक वचन गण्य संख्या के पहले। अब देखिए दोस्तों, मतलब एन का उपयोग उच्चारण पर निर्भर है, किस पर, उच्चारण पर, स्पेलिंग पर नहीं। स्पेलिंग में इंग्लिश स्वर हो कि ना हो, उच्चारण हिंदी स्वर से आरंभ होगा तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पर, एन लगाएंगे। देखिए ये लिखा हुआ है एलिफेंट, क्या लिखा हुआ है एलिफेंट, स्पेलिंग देखिए ई है, क्या पढ़ रहे हिंदी में ए, क्या पढ़ रहे हैं ए, ए आ गया हिंदी स्वर से उच्चारण आ गया तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। देखिए आउल, क्या लिखा हुआ है ये आउल, यानी उल्लू होता, क्या होता है उल्लू, ठीक है आउल शुरू कैसे हो रहा है पढ़िए उसको, आ, आ हिंदी स्वर है एन लगाएंगे। आई, ये लिखा है आई लिखा हुआ है, देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है, ये शुरू हो रहा है आ से, हिंदी स्वर है एन लगा देंगे दोस्तों। अब लिखा हुआ है यहाँ पर अम्ब्रेला, ये शुरू कहाँ से हो रहा है अ से, तो एन लगा दिया हमने। फिर देखिए एक्स, कुल्हाड़ी, शुरू कहाँ से हो रहा है ए से, एन लगा दिया है दोस्तों। फिर देखिए ये लिखा हुआ है, अब ये क्या हॉनेस्ट लिखा हुआ है, नहीं साथियों यहाँ पर जो एच है ये एच क्या है, साइलेंट है, स्पेलिंग पर निर्भर नहीं है, एन का उपयोग उच्चारण पर निर्भर दोस्तों, किस पर निर्भर है उच्चारण पर, ये एच को पढ़ते नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ये शुरू होता है ओ से, इस तरह लगा दिया एन, एच यहाँ पर साइलेंट है, ये हॉनेस्ट नहीं है, ये क्या है ऑनेस्ट, ठीक है एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए एन अम्ब्रेला, एन इंकपॉट, एन आउल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन एम एल ए, एन एम पी, ठीक है ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं, उच्चारण इनके हिंदी स्वर से हो रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पर क्या लगा रहे हैं एन लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों हमने सीखा अ और एन, ए को अ पढ़ते हैं, अ और एन इनका उच्चारण एक होता है, इनका उपयोग करते हैं एक वचन गण्य संज्ञा के पहले, जो अकेली उसके पहले करते हैं। ठीक है दोस्तों अ बुक, अ पेन, अ मैन, अ गर्ल, अ बॉय, एन एलिफेंट, एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है अब एन एलिफेंट और एन का उपयोग करते हैं, एन का उपयोग करते हैं हिंदी स्वर से उच्चारण आरंभ हो, थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए, हिंदी स्वर से उच्चारण आरंभ हो वहाँ पर एन का उपयोग करते हैं। एन एलिफेंट ए आ रहा था, एन आउल आ रहा था, एन आई आ रहा था, एन अम्ब्रेला अ आ रहा है, एन एक्स ए आ रहा है, एन ऑनेस्ट मैन ए साइलेंट है, यहाँ पर ओ पढ़ते हैं एन ऑनेस्ट मैन, कुछ तो एच को पढ़ते नहीं एन ऑनेस्ट में। एक उदाहरण देखिए दोस्तों, एग्जांपल देखिए, अब ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए यू एन आई ओ एन, क्या पढ़ते हैं उसको यूनियन नहीं, इसको पढ़ते हैं यूनियन, क्या पढ़ते हैं यूनियन, ये यू पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ते हैं इसको यूनियन पढ़ते हैं। अब ये ओ को यू को देख के क्या हम वहाँ पर एन लगा देंगे, नहीं, एन का उपयोग उच्चारण पर निर्भर करता है, स्पेलिंग पर नहीं। ठीक है दोस्तों अब देखिए, अभी ये यू लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं हिंदी में क्या है यू, यूनियन, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे अ लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों अ लगाएंगे। यहाँ पर एन आएगा क्या, यहाँ पर एन नहीं आएगा, क्योंकि एन का उपयोग कहाँ करते हैं उच्चारण हिंदी स्वर से आरंभ हो तब। ठीक है अब हमने ए और एन को सीख लिया है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए समझ लीजिए। अब हम 3B को सॉल्व करते हैं, आप खुद ही अपने दम पर सॉल्व कर सकते हैं साथियों। चलिए अब 3B को हम सॉल्व करते हैं। अ और एन का उपयोग एक वचन गण्य संज्ञा के पहले किया जाता है, और जो एन का उपयोग है वो कहाँ करते हैं, जो उच्चारण हिंदी स्वर से आरंभ हो तब। ठीक है साथियों चलिए 3B को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने बोर्ड पर सीखा इट, दिस, डैट को, और हमने बोर्ड पर देखा अ और एन। अब देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एम नहीं है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये एम नहीं है दोस्तों, ये एन है, क्या है ये एन है, हाँ ये क्या आएगा एन। और हमने देख लिया अ और एन का उपयोग हमने सीखा, अ और एन का उपयोग हमने सीखा, और एन का अर्थ एक होता है, एक वचन गण्य संज्ञा के पहले आता है अ और एन, और उसमें फिर एन कहाँ पर आता है, एन आता है जहाँ उच्चारण हिंदी स्वर से आरंभ होता है, हमने देख लिया। ठीक है साथियों अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक थोड़ा एक बार और पढ़ लीजिए तो अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आ जाइए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो
देखिए अब आ और एन हमको हमारे सामने है। चलिए अब ये लिखा हुआ है ईट इज, ठीक है। आप इधर देख लो जो जो शब्द हमारे पास में दिए हैं उनको तरन, इसको च पढ़ते हैं, इसको क पढ़ते हैं, चैन कप ब पढ़ते हैं बॉल, सबके साथ इधर ए आएगा। फिर देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर अ पढ़ते हैं आई यानी आँख, तो यहाँ पर एन आएगा। ये अम्ब्रेला अ पढ़ते हैं, बताइए क्या आएगा, एन आएगा। फिर देखिए एक्स क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर एक्स पढ़ते हैं, तो ए ए पढ़ रहे हम, क्या पढ़ रहे हैं हम, ए पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा, एन आएगा। फिर देखिए आउल में हम आ पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा, एन आएगा। तो आई के साथ एन आएगा, अम्ब्रेला के साथ एन आएगा, एक्स के साथ एन आएगा, आउल के साथ एन आएगा। क्यों, इनका उच्चारण कैसे हो रहा है बेटा, हिंदी स्वर से आरंभ हो रहा है, ठीक है। फिर बाकी ये चैन कप बॉल बॉट हॉर्स बैट, इनके साथ में क्या आएगा, इनके साथ में ए आएगा, इनके साथ में क्या आएगा, ए आएगा। और ये आई अम्ब्रेला एक्स आउल, आई अम्ब्रेला एक्स आउल, इनके साथ में क्या आएगा, इनके साथ में एन आएगा। तो ऐसा हो जाएगा ईट इज अ चैन, दिस इज अ कप। हमको एक एक जो शब्द दिए हुए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, बस ठीक है, दस तो दिए साथियों। तो एक एक को हमको बनाना है, प्रैक्टिस बोलने की भी करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, और लिखने की भी करना है। तो धीस ईट से वाक्य बनाइए, ठीक है, तीन वाक्य ईट से, तीन वाक्य धीस से, और तीन वाक्य हम बनाएंगे डैट से, एक वाक्य बच जाएगा उसको हम फिर से डैट से बना सकते हैं, दस वाक्य हमारे बन जाएंगे। चेन यानी चेन होता है, कप यानी कप जिसमें चाय पीते हैं, बॉल यानी गेंद, आई यानी आँख, बोट यानी नाव, अम्ब्रेला यानी छाता, एक्स यानी होता है कुल्हाड़ी, एक्स यानी क्या होता है, एक्स यानी होता है कुल्हाड़ी, हॉर्स यानी घोड़ा है ना घोड़ा, और आउल यानी उल्लू, और बैट यानी बल्ला, बैट यानी बल्ला होता है क्रिकेट खेलते हैं हम, और बैट यानी चमगादड़ भी होता है बैटमैन, ठीक है ऐसा। चलिए तो तीन वाक्य ईट से, तीन वाक्य धीस से, और तीन वाक्य डैट से बनाएंगे आप। लेकिन ध्यान का रखना है जहाँ हिंदी स्वर से उच्चारण आरंभ हो रहा है वहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, जैसा कि ये आई है, जैसा कि ये अम्ब्रेला है, एक्स है, आउल है, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर हम एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब देखिए नीचे हमने वाक्य बनाए हुए हैं, इट इज़ अ चैन, इट इज धीस इज एन अम्ब्रेला, डैट इज एन आउल। अब बाकी वाक्य आपको बनाना है, ठीक है साथियों, और आप बना लेंगे, पक्का बनाएंगे आप, बिल्कुल बनाना है ये 10 सेंटेंसेस। अब हमने 3A और 3B को सॉल्व कर लिया है, ये सेंटेंस आप बनाइएगा, हाँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमने ये सेंटेंस बना लिए है, कोई दिक्कत हो जरूर पूछिएगा दोस्तों, ठीक है। अब 3A और 3B हो गया, ये पूरा आपको करना है, 10 वाक्य यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद में अब हम कुछ नया बोर्ड पर सीख लेते हैं, अब फिर 3C और 3D को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों कुछ नया सीख लेते हैं साथियों, 3B भी हमने सॉल्व कर ली है समझने के बाद। अब देखिए 3C और 3D को हम सॉल्व कर रहे हैं, और उसके पहले थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी बेसिक ये समझ लीजिए दोस्तों, इससे आपकी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी। तो 3C और 3D में जो वाक्य आएंगे उनका हिंदी आप खुद कर सकते हैं, उनका मीनिंग आप खुद निकाल सकते हैं, और आप उनको नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में खुद चेंज कर सकते हैं, अपने दम पर कर सकते हैं साथियों मेरे दोस्तों। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए करना क्या है। एक्टिविटी 3C और 3D में एक शब्द आया हुआ है कैन, क्या आया हुआ है, कैन, कैन यानी होता है सकना, क्या होता है सकना, ठीक है, सकता हूँ मैंने लिखा है समझने के लिए यहाँ पर। ये कैन किसके लिए आता है, ये कैन आता है क्षमता के लिए, क्षमता, और कैन आता है योग्यता के लिए, हमारी एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, योग्यता के लिए, क्षमता के लिए, क्षमता और योग्यता के लिए क्या उपयोग करते हैं हम कैन का। मैं गाना गा सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है, मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है, ठीक है। तो क्षमता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी सभी के लिए, तीनों क्या आता है, क्षमता दर्शाने के लिए, शक्ति क्या आता है, कैन आता है दोस्तों, कैन आता है क्षमता के लिए, सामर्थ्य के दर्शाने के लिए, आपकी योग्यता दर्शाने के लिए हम कैन का उपयोग करते हैं। कैन के साथ में हमेशा वर्ब का पहला रूप, कैन के साथ में हमेशा वर्ब का पहला रूप ही आता है, ठीक है दोस्तों। ये V1 मैंने लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कोई भी हो,
सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ में केएल लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए बहुत सरल है, मैं नाच सकता हूँ, क्या लिखा हुआ है, मैं नाच सकता हूँ, मैं को हमने पढ़ा हुआ है, आए सकता हूँ पीछे लिखा हुआ है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, कैन, क्या कहते हैं, कैन कहते हैं। और नाचने को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म डांस, आई के लिए मे के लिए आई लगा दिया, सकता हूँ लिखा है सकना, कैन का सकना होता है, ठीक है, तो सकता हूँ के लिए हमने कैन लगा दिया, नाचना ये वर्ब है, क्या लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म क्या, फर्स्ट फॉर्म का डांस है, आई कैन डांस, आई कैन डांस, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, मैं गा सकता हूँ, आई कैन सिंग, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, हम खेल सकते हैं, वी कैन प्ले, हम जा सकते हैं, वी, सकता हूँ पीछे जाओ, कैन लगाते फिर गो, वी कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो, वे नाच सकते हैं, दे कैन डांस, ठीक है, मेरा भाई गाना गा सकता है, माई ब्रदर कैन सिंग अ सॉन्ग, माई ब्रदर कैन सिंग अ सॉन्ग, मेरे दोस्त तैर सकते हैं, माई फ्रेंड्स कैन स्विम, माई फ्रेंड्स कैन स्विम, तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में कैन लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आगे देख लिया मैं, फिर सकता हूँ, फिर सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर तुरंत बाद क्या लगा दीजिए, कैन, तुरंत बाद क्या लगा दीजिए, कैन, ठीक है, और फिर लगा दीजिए वर्ब के हमारी डांस लगा दीजिए, अगला देखिए, ठीक है, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, आई कैन प्ले, हम खेल सकते हैं, वी कैन प्ले, अब देखिए नहीं को बोलते हैं अंग्रेजी में नॉट, क्या बोलते हैं, नॉट, मैं नाच नहीं सकता, आई लगा दिया मैं के लिए, सकता हूँ के लिए कैन, नहीं के लिए नॉट लगा दिया, और नाचने को डांस बोलते हैं, आई कैन नॉट डांस, आई कैन नॉट डांस, मैं खेल नहीं सकता, आई कैन नॉट प्ले, आई कैन नॉट प्ले, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टॉक टू यू, आई कैन नॉट टॉक टू यू, वह यहाँ नहीं आ सकता, ही कैन नॉट कम हियर, तुम वहाँ नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो देयर, ठीक है साथियों, नॉट लगा दिया यानी नहीं हो गया। अब अगर प्रश्न बना के बनाना, हमको प्रश्न बनाना है तो बड़ा ही सरल काम है, क्या मैं नाच सकता हूँ, देखिए मैं नाच सकता हूँ, आई कैन डांस, मैं नाच नहीं सकता, आई कैन नॉट डांस, क्या मैं नाच सकता हूँ, बस कुछ नहीं करना है, इस कैन को उठा के आगे ले आओ, कैन को उठा के आगे ले आओ, ये क्या के लिए आपको कुछ लगाना ही नहीं है अलग से, ठीक है, ये कैन को आपको आगे ले आना है, कैन मे को आई बोलते हैं, नाचने को डांस बोलते हैं, ये कैन कहाँ जाएगा, प्रश्न में आगे जाएगा, प्रश्न में कैन कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ, आई कैन नॉट डांस, मैं नाच नहीं सकता, क्या मैं नाच सकता हूँ, कैन को आगे ले आओ, कैन आई डांस, कैन आई डांस, क्या तुम खेल सकते हो, कैन यू प्ले, क्या तुम तैर सकते हो, कैन यू स्विम, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है साथियों, नेगेटिव नॉट लगाएंगे, और प्रश्न पूछना हो तो क्या के लिए कोई जरूरत नहीं लगाने की, वो जो हेल्पिंग वर्ब है सकता हूँ, ठीक है, जो मॉडल वर्ब है सकता हूँ, उसको ही हम कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे, कैन आई डांस, कैन आई डांस, ठीक है, क्या तुम हिंदी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक हिंदी, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम तैर सकते हो, कैन यू स्विम, तुम तैर सकते हो, यू कैन स्विम, तुम तैर नहीं सकते, यू कैन नॉट स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, कैन यू स्विम, ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब देखिए हमने समझ लिया, अब आई वी यू दे ही शी इट, आई वी यू ही शी इट दे, राम फ्रेंड्स अ बॉय, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ में कैन आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कैन प्ले, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, वी कैन प्ले, हम खेल सकते हैं, यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो, या आपको बोलना है दोस्तों, ही कैन प्ले, वो खेल सकता है, शी कैन प्ले, वो खेल सकती है, दे कैन प्ले, वे खेल सकते हैं, राम कैन प्ले, राम खेल सकता है, आई बॉय कैन प्ले, लड़का खेल सकता है, माई फ्रेंड्स कैन प्ले, मेरे दोस्त खेल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अब हमको एक्टिविटी सॉल्व करना है, हमने समझ लिया कैन लगाना है सब्जेक्ट, फिर कैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चलिए आप 3C और 3D दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, आपने खुद समझा है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है साथियों, चलो 3C और 3D को हम सॉल्व कर लेते हैं साथियों, अभी हमने बोर्ड पर सीखा कैन किसे कहते हैं, तो कैन का अर्थ क्या होता है, हमने देखा कैन का अर्थ सकना, सकता हूँ, सकता है, सकते हैं, जो भी हो वैसा हम उसका यूज़ कर सकते हैं कैन का, और वाक्य को हमने समझने की कोशिश की, हम खुद उसका अर्थ अब निकाल सकते हैं दोस्तों, ये सेंटेंस फ्रेमिंग हम कर रहे हैं, कैन का अर्थ हमने देखा सकना, सकता हूँ, सकता है, सकते है, सकती है, सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आई वी यू ही शी इट दे,
के साथ में कैन, ईट यानी खाना, डांस यानी नाचना, ड्रॉ यानी खींचना, हम फोटो बनाते हैं और खींचने को भी ड्रॉ बोलते हैं, हम कुएं से पानी खींचते उसको भी ड्रॉ बोलेंगे, किसी का पेंटिंग बनाते हैं ड्रॉ उसको भी ड्रॉ बोलते हैं, स्लीप यानी सोना और रन यानी दौड़ना, तो डांस यानी नाचना हो गया, ड्रॉ यानी खींचना, स्लीप यानी सोना, सोना कौन था ये सोना, अपना सोना पहनते हो, सोना नहीं बहुत महंगा हो गया भैया 5,300 के आसपास सोना पहुँच चुका है, सोना यानी हम जो सोते हैं रात में वो सोना, स्लीप हाँ, और रन यानी दौड़ना। तो आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ, आई कैन नॉट ईट, मैं खा नहीं सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, आई कैन ईट, आई कैन नॉट ईट, वी कैन डांस, वी कैन नॉट डांस, यू कैन ड्रॉ, यू कैन नॉट ड्रॉ, ही कैन स्लीप, ही कैन नॉट स्लीप, शी कैन रन, शी कैन नॉट रन, आई, फिर लीजिए इसको, ईट कैन ईट, इट कैन नॉट ईट, दे कैन ईट डांस, दे कैन नॉट डांस, ऐसे सेंटेंस हमको बनाना है। और जो बेसिक हमने 2E और 2F में सीखी वो भी हम देख लेंगे एक बार। अब दोस्तों जो हमने बोर्ड पर सीखा उसका उपयोग हमको यहाँ पे करना है। देखिए अब आगे थोड़ा सा, ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कांट, क्या होता है, कांट, कैनॉट, ठीक है, ऐसा कैन नॉट को हम कांट भी पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलिए देखिए अब आगे बढ़ जाए थोड़ा सा, हाँ बस कैन लगाना है और पीछे वर्ब का क्या आएगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। आप दोस्तों ये बोर्ड पे जो मैंने पढ़ाया है आपको इसलिए पढ़ाया है कि आप खुद मीनिंग समझ सके सेंटेंस का, आप खुद उसका अर्थ निकाल सके, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ, आई कैन नॉट ईट, मैं नहीं खा सकता, आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ, आई कैन नॉट डांस, मैं नाच नहीं सकता, इन सब के मीनिंग आप खुद दोस्तों खुद निकालना, ईट यानी खाना, डांस यानी नाचना, ड्रॉ यानी खींचना, स्लीप यानी सोना, रन दौड़ना, तो दे कैन रन वे दौड़ सकते, दे कैन नॉट रन वे दौड़ नहीं सकते, ये खुद दोस्तों आपको हिंदी बनाना है इसका और आप बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। अब देखिए ये सेंटेंस यहाँ पर देखिए, आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ, इसमें आप नॉट लगा दीजिए, आई कैन नॉट ईट, नॉट एंड नहीं होता है, नॉट एंड ज़्यादा नहीं होता है, मैं खा नहीं सकता, आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ, आई कैन नॉट डांस, मैं नाच नहीं सकता, वी कैन रन, हम दौड़ सकते हैं, वी कैन नॉट रन, हम दौड़ नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए सेंटेंस हमने बनाया है, यहाँ पे पहला वी कैन डांस, वी कैन नॉट डांस, अब आपको ये आई से, वी से, यू से, यू से, शी से, ईट से, दे से, एक बार कैन लेकर पूरी वर्ब लीजिएगा, ईट, डांस, ड्रॉ, स्लिप, रन, फिर एक बार कैन नॉट लेकर पूरी वर्ब लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और सेंटेंस आप बनाइएगा, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आई कैन डू, ये संसार का सबसे सुंदर वाक्य है, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, हमेशा जीवन में हौसला रखिए। अब 3D देखिए, ऊपर हमने सेंटेंस बनाया पॉजिटिव, आई कैन डांस, फिर नेगेटिव, आई जैसे वी कैन डांस नेगेटिव बन गया, वी कैन नॉट डांस, आई कैन ईट ये पॉजिटिव हो गया, आई कैन नॉट ईट ये नेगेटिव हो गया, इसमें नहीं आता हो नेगेटिव का दोस्तों। अब चलिए 3D को सॉल्व करना है, ऊपर हमने देख लिया सेंटेंस पॉजिटिव, आई कैन डांस, नेगेटिव, आई कैन नॉट डांस, मैं नाच सकता हूँ, मैं नाच नहीं सकता हूँ, जहाँ नकारात्मक नहीं आ गया वो नेगेटिव हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, वह कहा जाती है, आगे आ जाती है, ये कैन आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा आपका और पीछे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वैसा का वैसा रहेगा। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कैसे करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे वर्ब दिए, गो यानी जाना, प्ले यानी खेलना, कुक यानी खाना पकाना, रीड यानी पढ़ना, स्विम यानी तैरना और रन यानी दौड़ना, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद भी करना है, स्पेलिंग भी याद करना है साथियों, मैं भी आपके साथ में ही हूँ, बिल्कुल हमको साथ में पढ़ाई करना है। चलिए अब देखिए, ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों अब साथियों, हमने सेंटेंस बनाया है वी कैन रीड, क्या बनाया हमने, वी कैन रीड, कैन लगा दिया, रीड फर्स्ट फॉर्म आ गया वी के साथ, नेगेटिव बना देंगे, वी कैन नॉट रीड, क्या बना दिया, वी कैन नॉट रीड,
हम नहीं पढ़ सकते, वी कैन रीड हम पढ़ सकते हैं, वी कैन नॉट रीड हम नहीं पढ़ सकते। अब इसका इंटरोगेटिव यानी प्रश्न बनाए दोस्तों, इंटरोगेटिव क्या होता है, प्रश्न होता है। ये अफर्मेटिव बना दिया हमने, पॉजिटिव बोलते हैं, इन एन ई जी लिखा है, नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म है, अफर्मेटिव का शॉर्ट फॉर्म ए डबल एफ और इंटरोगेटिव का शॉर्ट फॉर्म है आई एन टी। तो वी कैन रीड हम पढ़ सकते हैं, वी कैन नॉट रीड हम नहीं पढ़ सकते। अब इस कैन को उठा के दोस्तों अब अगर आप आगे रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, आई कैन गो, कैन को आगे ले आओ, कैन आई गो। दे कैन रन, रन कैन को आगे ले आओ, कैन दे रन, बिल्कुल सही। वी कैन रीड, वी कैन नॉट रीड, कैन वी रीड। अब आई कैन प्ले का हो गया, कैन आई प्ले क्या हो गया, कैन आई प्ले, सबके साथ में आगे कैन आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या मैं खेल सकता हूँ, क्या मैं खेल सकता हूँ। ध्यान में आ गया दोस्तों, ऐसा हमको बनाना है, ये कैन आगे है, फिर एक सब्जेक्ट ले लिया, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, कैन वी प्ले, क्या हम खेल सकते हैं, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो, कैन शी कुक, क्या वो खाना बना सकती है, कैन शी रीड, क्या वो पढ़ सकती है, कैन ही स्विम, क्या वो तैर सकता है, कैन इट रन, क्या वो दौड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हमको इसको सॉल्व करना है। ही बॉय के लिए, शी गर्ल के लिए, और ईट आता है छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए आता है, और छोटे बच्चों के लिए भी ईट का उपयोग करते हैं हम। ठीक है साथियों, पशुओं के लिए भी ईट का उपयोग करते हैं हम, जिनका जेंडर नहीं जानते हम कि ये लड़का है कि लड़की, मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वहाँ पर भी हम ईट का उपयोग करते हैं, इसलिए हम मक्खी के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए ईट का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, छोटे बच्चों के भी ईट का उपयोग करते हैं। ठीक है, हाँ छोटे होते हैं। अब ये आपको खुद बनाना है दोस्तों, कैन शी कुक, क्या वो खाना बना सकती है, कैन इट स्विम, क्या वो तैर सकता है, कैन दे रीड, क्या वे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी पूरा पूरा आपको बनाना है, और इसकी हिंदी भी आपको करना है दोस्तों, अलग से क्या के लिए कुछ लगाना पड़ेगा नहीं, है ना। जैसे ये यहाँ पर ये क्या आया हुआ है, तो हमको अलग से क्या के लिए कुछ लगाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कैन आगे आ गया तो उसका अर्थ भी उसमें आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ, कैन आई रन, क्या मैं दौड़ सकता हूँ, कैन आई स्विम, क्या मैं तैर सकता हूँ, कैन वी रीड, क्या हम पढ़ सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे साथियों सेंटेंसेस आपको यहाँ पर बनाना है, बिल्कुल बनाना है, खुद ही बनाना है बहुत अच्छे से। बस कैन आगे आएगा, इसमें से एक सब्जेक्ट लीजिए, एक वर्ब लीजिए, बदलते जाइए उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों कुछ वर्ड्स आपको आए थे यूनिट टू में, उसकी हिंदी, उसके मीनिंग यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये घर पे आपको पढ़ना है। ये कुल मिला के 83 शब्द है, कितने शब्द है 83। तो रोज़ आपको पांच शब्द याद करना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है पूरे शब्दों को, पांच शब्दों का मीनिंग, पांच शब्दों का स्पेलिंग आपको अच्छे से याद करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना कि सर हमने 5 शब्द याद कर लिए हैं, हम 10 शब्द याद कर लिए हैं, और ये 83 शब्द आपको याद हो जाएगा, तो बहुत सारा अंग्रेजी का नॉलेज भी हमको हो जाएगा। रेड एंड चूहा, गड़े बिल्ली, बहुत सारे शब्द है, 83 शब्द है। ठीक है दोस्तों, इन सबको आपको पढ़ना है, घर पर अच्छे से याद करना है, कोई दिक्कत हो बिल्कुल बोलिए। ठीक है साथियों, ये आपको करना है बहुत अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं फटाक से हम, ये घर पे आ करना है भाई, हाँ भूलना नहीं है, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी सब सभी को करना है साथ में अच्छे से। चलिए आगे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे शिक्षकों, प्यारे साथियों, हमने 3 ABCD पूरी कर ली है, इसका मतलब है कि यूनिट 2 पूरी हो चुकी है। अब अगले वीडियो में हम यूनिट 3 की शुरुआत करने वाले हैं, और कुछ हमने बेसिक भी आज सीखी है, और एन का उपयोग हमने सीखा, कैन का उपयोग हमने सीखा, बहुत अच्छे से बेसिक सीख के हमने खुद ही एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया। दोस्तों घर प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आप बहुत अच्छे से खुद के दम पर अंग्रेजी को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपने शिक्षकों की भी सहायता लीजिए, अपने बड़े साथियों की, बहनों की, परिवार में जो भाई है उनकी सहायता लीजिए दोस्तों, हेल्प लीजिए, अच्छे से पढ़िए। कोई सुझाव हो ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत हो परेशानी है वो भी हमको बताइए, मैं और क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ बिल्कुल बताइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।